हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन एंड ब्लॉग्स मीटू पात्रा। और आज के टॉपिक वही था जो पिछला वीडियो के लास्ट में बता के गया था कि अनबैलेंस टूल के ऊपर हम हेरिंग बोन टूल कैसे बनाते हैं, उसका डिस्क्राइब करेंगे अगले वीडियो में। तो उसी चीज़ को फिर इसी वीडियो में डाल रहे कि अनबैलेंस टूल, हेरिंग बोन टूल जो होता है, बैलेंस टूल में पिछला वीडियो डाले थे बैलेंस टूल, तो इस वीडियो में डालेंगे अनबैलेंस टूल का हेरिंग बोन टूल कैसे बनाते हैं। और अनबैलेंस टूल होता क्या है, अनबैलेंस टूल में जिसका अप एंड डाउन इरेगुलर नंबर है, रेगुलर नंबर नहीं है, जैसे कि सेम नंबर नहीं है, अलग अलग नंबर है, दोनों डिफरेंट नंबर है, तो उसको अनबैलेंस टूल बोलते हैं। जैसे कि 3 अप 3 डाउन, 3 अप 3 डाउन का अगर टूल होता है तो उसको रेगुलर टूल बोलते हैं। अगर वहाँ पे अगर 3 अप हो के 2 डाउन हो गया, या तो 3 अप हो के 1 डाउन हो गया, या तो 1 अप हो के 3 डाउन हुआ, तो उस टूल को हमें बोलते हैं क्या, अनबैलेंस टूल। तो जैसे कि एक बेसिक टूल ले जाएंगे, पिछले वीडियो में हम जो टूल लिए थे वो था रेगुलर टूल और उसका बनाए थे हेरिंग बोन टूल। तो आज है, पिछला बार जो बोला था कि एग्जाम्पल लूँगा मैं अनबैलेंस टूल का, अनबैलेंस टूल का एग्जाम्पल लेंगे और उसका बनाएंगे हेरिंग बोन टूल कैसे बनता है, डिजाइन ड्राफ्ट और पाइपलाइन। हमारे वीडियो स्किप मत कीजिए, फिर से हमारा चैनल नाम बता दे रहे हैं एजुकेशन एंड ब्लॉग्स मिट्टू पात्रा। हमारे चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बाकी स्टूडेंट के पास भेजिए जिनको ये डिजाइन के ऊपर, वीविंग के थ्योरी रिलेटेड सब्जेक्ट की डिमांड, मतलब उनको चाहिए तो ये ज़रूर भेजिए। और हमारे वीडियो ध्यान से देखिए, अभी चलते हैं अनबैलेंस टूल का हेरिंग बोन टूल कैसे बनाते हैं। तो अनबैलेंस टूल हम बोल रहे थे 3 by 1 का ले लेते हैं, 3 upon 1 down, 3 by 3 ये सेम नंबर है तो इसके लिए ये बैलेंस टूल कहलाएगा। और ये अप हो गया 3, 1 हो गया down, या तो 1 by 3, 1 up 3 down, ये होता है अनबैलेंस टूल। तो आज ले जा रहे हैं 3 by 1 का अनबैलेंस टूल का हेरिंग बोन टूल बनाते हैं, 3 by 1 अनबैलेंस टूल और उसका हेरिंग बोन टूल में बताया था जो बेसिक टूल लिया जाएगा उसका आधा, तो उसी टूल के बेसिक टूल ड्रॉ किया जाएगा, उसका आधे के बाद जो बाकी आधा बनेगा तो उसमें जो पहला आधा में जो ऑफ है वो पोजीशन अपना डाउन करेंगे, बाकी सेकंड आधा में एंड जहां डाउन है उस आधा आगे वाले जो आधा में ड्रॉ करेंगे हेरिंग बोन टूल का वो होगा ऑफ, और वो अपोजिट के मैनर को फॉलो करेगा। अभी दिखा दे रहे हैं, अगर 3 by 1 4 inch 4 feet का रिपीट है और उसको हम बनाएंगे कैसे हॉरिजॉन्टली, तो उसको हम 4 inch 4 feet, 4 inch चाहिए बेसिक टूल के लिए, और उसका आगे वाला जो हाफ में अपोजिट मैनर में भरेंगे उसको चाहिए और 4, यानी कि 8 inch 4 feet का वो हेरिंग बोन टूल का जो डिज़ाइन रिपीट होगा 3 by 1 की, तो उसका रिपीट साइज रहेगा 8 into 4। तो 8 into 4 इज द साइज ऑफ 3 by 1 अनबैलेंस हेरिंग बोन टूल, उसका 8 ends 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पीक हो गया, पीक 1, पीक 2, पीक 3 एंड पीक 4। तो उसमें ड्रॉ करेंगे 3 by 1 अनबैलेंस टूल जो बेसिक टूल होता है उसका हेरिंग बोन टूल कैसे है। पहले फास्ट उसका अनबैलेंस टूल का जो होता है ना बेसिक टूल ड्रॉ करते हैं, 3 by 1 कैसे बनेगा, ये रिपीट साइज हो गया और बेसिक वेव हो गया, कौन से बेसिक वेव इज इक्वल 3 by 1, ठीक है, 3 by 1 को उसमें ड्रॉ करते हैं, 3 by 1, 3 by 1, 3 by 1, फिर यहाँ से 3 by 1, तो ये हो गया 3 by 1 का बेसिक टूल। इसको आधा में उसका अपोजिट करके भरेंगे तब जाके हेरिंग बोन टूल बनेगा। तो इसको कैसे बनेंगे, 5 नंबर में उसी का अपोजिट करेंगे, किस एंड्स का, जो 4 एंड्स का, यहाँ से मान लो ये हाफ और ये हो गया दूसरे हाफ, ये बेसिक टूल का जो डिजाइन है उसको आधार पर बना दिए, बाकी जो आधा है वो बनेगा ये पहला हाफ में जो अप है वो डाउन और जो डाउन है वो हाफ। लेकिन यहाँ पे कौन से एंड्स में कौन से डिजाइन का वो जो अप एंड डाउन को लेंगे वो कैसे कहाँ से पता करेंगे। अभी ये पहला वाला जो 4 है मान लेते हैं, ये फास्ट सेकंड हाफ का ये फास्ट एंड्स यानी कि 5 एंड्स 5 नंबर एंड्स का वो लिफ्टिंग अपोजिट किसी का फॉलो करेगा,
जो बेसिक टोल का लास्ट वाला एंड्स का जो डिज़ाइन है उसी का फॉलो करेगा, पर अपोजिट में, जैसे ये ऑप है ये वहाँ हो जाएगा डाउन, ये डाउन वाला ऑप हो जाएगा। तो ये आधे के बाद फास्ट एंड्स, ये आधे उसका पहले वाला जो लास्ट एंड्स का फॉलो करेगा, उसका आधे के बाद सेकेंड एंड्स, ये पिछला सेकेंड एंड्स का जो लास्ट टू का फॉलो करेगा, फिर आगे का तीन, तीसरा एक दो तीन, तीसरा एंड्स का जो डिजाइन अपोजिट किसका फॉलो करेगा, ये आधे से जो पिछला तीन का, एक दो तीन, पिछला तीसरा का जो डिजाइन है उसका अपोजिट फॉलो करेगा, इसी हिसाब से बनाएंगे। तो पांच नंबर में उसी का डिजाइन ड्रॉ करेंगे, ये चार नंबर डिजाइन, चार नंबर एंड्स का जो लिफ्टिंग है, जहाँ जहाँ वो ऑफ है वहाँ पर डाउन करना है, ये डाउन ऑफ था ये डाउन कर लिया, ये डाउन था यहाँ पर ऑफ कर दिया, यहाँ पर भी ऑफ, यहाँ पर भी ऑफ, तो यहाँ पर भी डाउन, यहाँ पर भी डाउन। अभी छः नंबर में किसका फॉलो करेगा, छः नंबर फॉलो करेगा, ये आगे वाला दो हो रहा है तो पीछे का दो, पीछे का दो नंबर यानी तीसरे नंबर एंड्स का जो डिज़ाइन है उसका अपोजिट मैनर को फॉलो करेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, ऊपर का दो ऑप है तो ऊपर का ये दो मैं डाउन कर लिया, यहाँ डाउन है तो यहाँ ऑफ कर लिया, और लास्ट वाला यहाँ पे ऑप है तो यहाँ मैं डाउन कर दिया। सात नंबर एक दो तीन, आगे का तीन तो पीछे के तीन फॉलो करे, एक दो तीन, यानी कि दो नंबर एंड्स का जो लिफ्टिंग है वो फॉलो करेगा, ऊपर से तीन ऑफ हुआ है ना तो ऊपर से तीन ये डाउन होगा, ठीक है। तो ये दो नंबर एंड्स का फर्स्ट पिक में ये क्या हुआ है, डाउन हुआ है, यहाँ पे होगा ऑफ। आठ नंबर का क्या है, आठ नंबर का सबसे लास्ट, लास्ट वाला फॉलो करेगा इधर से फर्स्ट वाले का, फर्स्ट वाला शुरू से तीन ऑफ है, ये डाउन हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑफ। तो ये हो गया हरिंग बोन टूल, थ्री बाई वन अनबैलेंस टूल का बेसिक स्विच, बेसिक वेव लेके पहले चार में उसका फोर एंड्स में ड्रॉ कर लिए बेसिक टूल के हिसाब से, थ्री बाई वन अरेस्ट जेड, ठीक है, जेड टूल। और उसके बाद ये जहाँ ऑफ ऑफ था तो वहाँ डाउन कर दिए, डाउन वाला को ऑफ कर दिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारे हेरिंग बोन टूल डिजाइन। अब इसका ड्राफ्टिंग प्लान बनाएंगे, ड्राफ्टिंग प्लान कैसे बनेगा, जो सेम एंड्स, जिन जिन एंड्स का डिजाइन या तो लिफ्टिंग सेम है उसके लिए एक ही साफ्ट यूज करेंगे, जिन जिन एंड्स का लिफ्टिंग अलग है उसके लिए यूज करेंगे अलग साफ्ट, जिनका सेम है उसके लिए एक ही साफ्ट, जिनका सेम नहीं है अलग है उसके लिए दूसरे इंडिविजुअल अलग अलग सेपरेट साफ्ट लेना पड़ेगा। अभी मैं हॉरिजॉन्टल यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ कितना साफ्ट यूज होंगे, चलो मैं तो ऐसे ही अपना ड्रॉ कर लिया, कितना लगेगा यहाँ से निकाल लेंगे। अभी एंड्स के सामने एंड्स ड्रॉ कर लिया, चलो ठीक है, थोड़ा बेंड होगा कोई बात नहीं। ये वाला डिजाइन को इसके आगे ये कर दिए, ठीक है। ये डिजाइन एक नंबर के साथ नहीं मैच नहीं हो रहा है, दो नंबर एंड्स का लिए अलग फ्रेम, तीन नंबर एंड्स का जो लिफ्टिंग है किसी के साथ मैच नहीं हो रहा है एक दो से, तो ये अलग से फ्रेम ले लिए। चार नंबर एंड्स के लिए जो लिफ्टिंग है वो पिछला तीन का फॉलो नहीं कर रहा है उसके लिए अलग से। अब यहाँ पे देखते हैं पाँच छः सात आठ, पाँच छः सात आठ में पाँच वाला लिफ्टिंग किसी का फॉलो कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, तो उसके लिए ले गए एक और हिल साफ्ट। छः नंबर सात नंबर आठ नंबर ये तीनों किसी का भी फॉलो नहीं कर रहा तो इसके लिए और तीन लगेंगे। तो मैं थोड़ा ये ऊपर का मिटा लेता हूँ क्योंकि हमें हिल साफ्ट और चाहिए ड्रॉ करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, समझ गए ना। एक दो तीन चार ये एंड्स का जो लिफ्टिंग है किसी के साथ मैच नहीं हो रहा इसके लिए चार हिल साफ्ट लिया गया है और चार को एक दो तीन चार स्ट्रेट ड्राफ्ट में ड्रॉ कर लिया। पाँच नंबर एंड्स का जो लिफ्टिंग है किसी के साथ मैच नहीं है इसके लिए अलग से, छः का भी मैच नहीं है, सात का भी मैच नहीं है, आठ का भी मैच नहीं, यानी कि आठ एंड्स का पूरा डिजाइन किसी के साथ कोई मैच नहीं है इसके लिए टोटल अलग साफ्ट लेना पड़ा। चलो देखते हैं, पांच वाला यहाँ पे ले लिया, छः वाला भी डिजाइन मैच नहीं हो रहा है एंड्स, छः नंबर एंड्स का जो डिजाइन किसी के साथ मैच नहीं हो रहा है इसलिए यहाँ पे अलग से ले लिया। सात नंबर का भी नहीं मैच हो रहा है यहाँ पे ले लिया, आठ नंबर का भी मैच नहीं हो रहा है यहाँ पे ले लिया। तो कुल मिला के कितना साफ्ट लगी,
शाफ्ट लगी, अभी देख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 चार इसके लिए, चार आगे वाले हाफ के लिए, यानी कि 8 शाफ्ट लगा। 3x1 जेड ट्विल था हमारे बेसिक ट्विल, उसका जब हेरिंग बोन लगा है और उसमें यही देखा गया कि इस डिजाइन में किसी भी एंड्स का लिफ्टिंग किसी दूसरे से साथ मैच नहीं हो रहा है, इसलिए जितना एंड्स है उतना शाफ्ट लेना पड़ा और स्ट्रेट ड्राफ्ट में। ठीक है, यह हो गया इसके ड्राफ्टिंग प्लान। तो इससे हमारे ड्राइंग रहा 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 और उसका हिल शाफ्ट 8 हिल शाफ्ट लगा। उसका पेक प्लान लगा देंगे, पेक प्लान वही है कि कौन से पीक में कौन से हिल फ्रेम को अप एंड डाउन करना है वो देखते हैं। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल था हिल शाफ्ट, यहाँ पे इसको वर्टिकल ड्रॉ कर लेंगे और हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर देंगे, ये जो डिजाइन में पिक्स है उसके सामने पिक्स ड्रॉ कर देंगे। वर्टिकल ही डाल दो, आठ हिल शाफ्ट ड्रॉ करना पड़ेगा। कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एक और, ये हो गया 8। पहला पीक डाल दो, दूसरी पीक, तीसरी पीक, चौथी पीक, तो ये 8 हैंड्स, 8 शाफ्ट। तो 8 शाफ्ट को मैं यह था हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल ड्रॉ करिए। इसके सामने पीक 1, पीक 2, पीक 3, पीक 4, पीक 1, 2, पीक 3, पीक 4। तो किसी के साथ कोई मैच नहीं है, तो किसी के साथ कोई मैच नहीं है तो इसका डिजाइन ही इसका, इसका डिजाइन ही है, तो डिजाइन जो है वही पेक प्लान आ गया। फिर भी देख लेते हैं, एक नंबर का जो डिजाइन में है वो एक नंबर शाफ्ट, एक नंबर एंड्स का जो लिफ्टिंग था वो किसको कंट्रोल, एक नंबर शाफ्ट ही कंट्रोल कर रहा है ना एक नंबर एंड्स को, तो उसका जो लिफ्टिंग है वो डिजाइन में आ जाएगा एक नंबर हिल शाफ्ट की पेक प्लान में। 1, 2, 3 दो नंबर हिल शाफ्ट कौन से एंड्स को ये कंट्रोल कर रहा है, दो नंबर हिल शाफ्ट कंट्रोल कर रहा है अपना सेकंड एंड्स को, सेकंड एंड्स को जो लिफ्टिंग है वो दो नंबर हिल शाफ्ट में भर देंगे। 2, 3 तीसरा नंबर का कौन सा, तीसरे नंबर एंड्स का कंट्रोल कर रहा है ऐसे। ठीक है, चौथा नंबर हिल शाफ्ट चार नंबर एंड्स को कंट्रोल कर रहा है, चार नंबर एंड्स का लिफ्टिंग क्या है इस तरह। पांच नंबर शाफ्ट जो है वो पांच नंबर एंड्स का लिफ्टिंग को कंट्रोल कर रहा है, तो यहाँ पे सेकंड से ऑफ दिया गया। ठीक है, छः नंबर जो हिल शाफ्ट है वो किसका कंट्रोल कर रहा है, छः नंबर एंड्स का लिफ्टिंग को, यानी कि दो नंबर सेकंड पिक्स में ऑफ हुआ है छः नंबर का। ठीक है, सात नंबर का जो हिल शाफ्ट है वो कौन से सात नंबर एंड्स को ही कंट्रोल कर रहा है, सात नंबर एंड्स का लिफ्टिंग ऐसा है यहाँ पे डाल दिया। आठ नंबर एंड्स किसको कंट्रोल कर, आठ नंबर हिल शाफ्ट किसको कंट्रोल कर रहा है, आठ नंबर एंड्स को, तो आठ नंबर एंड्स का लिफ्टिंग ऊपर में क्रॉस है। तो ये डिजाइन और पैक प्लान समान आ गया, क्योंकि हमारे डिजाइन में जो कोई भी एक एंड्स है, एंड्स का जो डिजाइन लिफ्टिंग है वो किसी के साथ मैच नहीं है, इसके लिए अलग अलग शाफ्ट भी लिया गया और इसका जो डिजाइन था सेम आ गया इसमें, क्योंकि किसी के साथ कोई मैच नहीं है। अगर कोई मैच होता जैसे कि 3, 4, 2, 4, 6 या 2, 5 मैच होता तो उसका सिंगल शाफ्ट लेना पड़ता, अभी क्या है 8 एंड्स है और 8 का 8 किसी के साथ मैच नहीं है, इसलिए 8 हिल शाफ्ट लेना पड़ा और 8 हिल शाफ्ट को मैं वर्टिकल ड्रॉ करके उसके सामने पीक लगा दिया और जिस फ्रेम को, जिस फ्रेम अपना जिस एंड्स का डिजाइन को कंट्रोल करता है, लिफ्टिंग को कंट्रोल करता है, उसी एंड्स का लिफ्टिंग को उसी शाफ्ट के सामने ही भर दिया सीधे में। तो यह आ गया पैक प्लान, तो ये था हमारे पैक प्लान, एक पैक प्लान, ये ड्राफ्टिंग, ये हो गया डिजाइन, डिजाइन ड्राफ्टिंग एंड पैक प्लान। ये था हमारे 3x1 जेड ट्विल, जो अनबैलेंस ट्विल है बेसिक ट्विल लिए थे और रिपीट साइज हुआ था 8 एंड 4 पिक्स का और 3x1 अनबैलेंस जेड ट्विल वाला का हेरिंग बोन ट्विल। ठीक है, हेरिंग बोन ट्विल, अब ये कपड़े में कैसे दिखेगा अभी दिखा रहा हूँ, देखो अभी कपड़े में इस तरह दिखेगा, ये कपड़े में हेरिंग बोन ट्विल कैसा दिखता है, ऐसे दिखता है ना, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लेता हूँ, ये इस तरह दिखेगा, ठीक है, फिर
फिर जैसे ये वहाँ पे हुआ है इस तरह दिखेगा। थ्री बाई वन, फिर यहाँ से ये स्टार्ट हो जाएगा। थ्री बाई वन ये, फिर वहाँ से ये स्टार्ट हो जाएगा वन बाई थ्री। ऐसा है ना, हाँ इतना ही। फिर ये स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से भी, इसका डिजाइन इस तरह दिखेगा। ये हो गया इस डिजाइन का जो लुकिंग, ठीक है। अभी दिखा दे रहे हैं, ये जो हो गया वो थ्री बाई वन हेरिंग बोन टूल का ये लुकिंग है। एक और ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह ये दिखेगा। चलो मैं ऐसे ही ड्रॉ किया हूँ, बाकी कपड़े में मतलब इस तरह जो डिजाइन दिखेगा वो होता है थ्री बाई वन, थ्री बाई वन। अभी थ्री बाई थ्री में ये सेम रहता था, ये जहाँ अप वहाँ पे डाउन, ये भी जहाँ डाउन ये वहाँ पे अप, पर ये अनबैलेंस्ड है इसलिए एक साइड मोटा दिख रहा है, एक साइड पतला दिख रहा है, इसलिए थ्री बाई वन हेरिंग बोन टूल का डिजाइन हो गया, ड्राफ्ट हो गया पेक्ट वन, और यही लुकिंग आएगा कपड़े में। तो यही था हमारे कवर हो गया हेरिंग बोन टूल। हेरिंग बोन टूल का क्या है, हेरिंग फिश का जो बैकबोन जैसा ही जो उसका शेप है ये कपड़े में वैसे ही आता है वीव का लुकिंग, तो उसको बोलते हैं हेरिंग बोन टूल। हेरिंग बोन टूल में बैलेंस टूल को भी लेकर करते हैं, अलबैलेंस टूल के लिए भी लेकर करते हैं। पहला वाला बैलेंस टूल का भी लेकर हम दिखाए थे, और इस वीडियो में भी अनबैलेंस टूल को भी लेकर दिखाए। तो दोनों वीडियो, अभी बैलेंस टूल का हेरिंग बोन टूल सर्च करना है तो उसमें आई बटन उसका लिंक दे दूंगा, और इस वीडियो में हमें अनबैलेंस टूल का बेसिक कोर्स लेकर हेरिंग बोन टूल बनाए। तो हमारे चैनल ये बोरिंग होने वाला नहीं सब्जेक्ट है, मतलब ये काम का चीज़ है जो आजकल में इंडस्ट्री में सेटिंग इंडस्ट्री में ये ज़्यादातर आता है, तो इसके लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट भी है हेरिंग बोन टूल। और ये छोटी मोटी कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए हम वीडियो डाल रहे हैं, बाकी ये तो हमारे जितने भी स्टूडेंट निकल रहे हैं वीविंग में चॉइस कर रहे हैं जॉब करने के लिए, या तो डिजाइन में जिनको इंटरेस्ट है और नॉलेज गेन करना है उन्हीं लोग के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। हमारे वीडियो एक लाइक ज़रूर कीजिए, और कुछ प्रॉब्लम या तो फीडबैक देना है या कमेंट करना है इसके लिए आप करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके लिए हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आप लोगों का फीडबैक हमें चाहिए ज़रूर, अगर इसमें कोई फॉल्ट है या तो हमें कुछ आगे और कोई सब्जेक्ट का डिमांड हो वो भी रिप्लाई में डालिए कमेंट बॉक्स में, तो हम उसको ज़रूर लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।